जैसे कि तुसी जानते हो थाना मोती नगर विच एक कुछ समा पहले एक वारदात हुई थी जिते एक राकेश कुमार करके एक व्यक्ति हैगा जी जो शामी 9 बजे के करीब अपने घर लौट रहा था अपनी दुकान से तो उत्थे उहदे एक मोटरसाइकिल आती है जो 3 नौजवान उस पर सवार थे उहदे नाल खो करके उहदे पैसे लैके भज गए सीगे। कुछ दिन पहले इस राकेश कुमार नूं एक 10 लाख की फिरौती मांगते हुए फोन आया तो तुरंत साढ़े अफसरान ने उत्थे कार्रवाई करते हुए परचा दे के वक् वक् टीमें बना के इस पर कार्रवाई की। तो हूँ अपने को एक गैंग कब्बू आया हैगा 3 बंदे का जिसमें एक नाम है अमनदीप जो पैदाइश पंजाब तो ही है पिछले तो यूपी तो है तो उसका साथी हैगा जी पंकज तो उदय दोनों यूपी दे हैं यहाँ पे गैसपुरा में रह रहे हैं काफ़ी लंबा समय तो। और इन दी जो इन्हों की इंटेरोगेशन है इन्हों की पूछगिछ है उस विच आया है इन्होंने दसिया है कि इन्होंने पहले भी ऐसी 2 वारदातें साडे इलाके विच कीती सीगी तो इन्होंने 10 लाख की फिरौती मांगी सी राकेश तो और इसके साथ स्नैचिंग भी कीती सीगी। तो दौराने तफतीश सानू एक असला नजायज असला रिवॉल्वर 2 कारतूस 2 दातर एक्टिवा रिकवर हुई है और अभी इन्हों की पूछगिछ चल रही है। इन्होंने लगभग 4 वारदातें कबूली हैं और अपा इन्हां दे नाल एक बड़े गिरोह जो कि अपने आप में ग्रेजुएट कर रहा था और बड़े क्राइम के लिए और फिरौती के बिजनेस में आ गया सीगा उसको अपा दर्द पहुँचा है तो साढ़े लिए बड़ी कामयाबी है। ये राकेश जड़ा जाएगा जिसके साथ स्नैचिंग हुई थी उसी से इन्होंने फिरौती मांगी। दौरान तफ्तीश ये पता चला कि इनमें से एक बंदा राकेश के नाल काम करता सीगा उसकी दुकान से काम करता सीगा तो उसमें पता था कि राकेश की टर्नओवर बहुत बढ़िया है मतलब चंगा पैसे कमाता है तो बंदा कल्ला रहता है कल्ला जाता फिरता है तो इसमें लगा ये ईजी टारगेट है अपन इनू आराम नाल दबोच सकते हैं। तो बाकी इसे यार मित्र थे नेड़े तेड़े रहते सीगे तो गल संगत का असर होंगे वो पुठे ख्याल आ गए कि ईजी मनी बनानी है जल्द पैसा कमाण का इन्होंने ये गलत रस्ता इख्तियार किया। हुण तक इन्होंने 2 वारदातें कबूली हैं स्नैचिंग की वह अभी इंटेरोगेशन जड़ी और होगी तो पता चलूगा इन्होंने और भी कोई वारदात की थी। ये यूपी सुल्तानपुर से लेके आए हैं जी कोई मोनू करके एक बंदा है उसको लेके आए हैं।